जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस वन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ भारत की पावर के बारे में, यानी कि 2023 में भारत की मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिससे कोई भी देश सीधी टक्कर लेना नहीं चाहेगा। तो आज की वीडियो हम बताएंगे कि 2023 में भारत की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है। 2023 के अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वहीं बात करें हम भारत के डिफेंस बजट के बारे में, तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो 70 बिलियन डॉलर का है। अब हम बात करते हैं लैंड पावर के बारे में। बात करें हम आर्मी के बारे में, भारत के पास ऐसे 14.5 लाख की आर्मी उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम टैंक्स की, तो भारत के पास कुल ऐसे 4600 से अधिक टैंक्स उसके बेड़े में शामिल है। अब हम लोग बात करते हैं फाइटिंग व्हीकल्स के बारे में, तो भारत के पास कुल ऐसे 2500 से अधिक फाइटिंग व्हीकल उसके बेड़े में शामिल है। अब हम लोग जानते हैं आर्मर व्हीकल्स के बारे में, तो भारत के पास कुल ऐसे 1,80,000 आर्मर व्हीकल उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के बारे में, तो भारत के पास टोटल ऐसे 1500 से अधिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं हम लोग बात करें सेल्फ प्रोपल्स गन्स के बारे में, तो भारत के पास ऐसे लगभग 120 से अधिक तोपे उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं फील्ड आर्टरी गन्स के बारे में, तो भारत के पास ऐसे 3500 से अधिक फील्ड आर्टरी गन्स उसके बेड़े में शामिल हैं। ये बात हो गई लैंड पावर की। अब हम लोग बात करते हैं एयर पावर की। अगर बात करें हम लोग भारतीय वायु सेना के बारे में, तो इस समय जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, तो भारत के पास उनकी संख्या लगभग 130 से अधिक निकल के आती है। वहीं बात करें हम लोग ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में, तो भारत के पास ऐसे 130 से अधिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के बारे में, यानी कि भारत के पास ऐसे लगभग 550 से अधिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं बात करें हम अटैक्स हेलीकॉप्टर्स की, तो भारत के पास टोटल ऐसे 120 से अधिक अटैक्स हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, यानी कि मालवाहक जहाज के बारे में, तो भारत के पास ऐसे 254 से अधिक बड़े मालवाहक जहाज उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं बात करें हम नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स की, तो भारत के पास टोटल ऐसे 800 से अधिक नॉर्मल टाइप के हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं बात करें हम एयर रिफ्यूलर टैंकर, यानी एयर टैंकर के बारे में, तो भारत के पास टोटल ऐसे 6 एयर टैंकर उसके बेड़े में शामिल हैं। ये बात हो गई एयर पावर की। अब हम लोग बात करते हैं नेवी पावर के बारे में। बात करें हम एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो भारत के पास ऐसे 82 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके बेड़े में शामिल हैं। वहीं बात करें हम लोग जंगी जहाज, यानी कि डिस्ट्रॉयर शिप के बारे में, तो भारतीय नौसेना के पास ऐसे 11 जंगी जहाज, यानी ऐसे 11 डिस्ट्रॉयर उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग फ्रिगेट्स की, तो भारत के पास ऐसे 12 की संख्या में फ्रिगेट्स उसके नौसेना में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग कन्वर्शन शिप की, यानी कॉन्वर्ट की, तो भारत के पास टोटल ऐसे 20 से अधिक कॉन्वर्ट शिप उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करते हैं हम लोग पनडुब्बी, यानी कि सबमरीन्स के बारे में, तो भारत के पास कुल ऐसे 19 सबमरीन्स उसके बेड़े में शामिल हैं। तो ये बात हो गई नेवी के बारे में। तो आपको पता लग गया होगा कि 2023 में भारत की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। इसी के चलते हुए चीन कभी भी भारत से सीधी टक्कर लेना नहीं चाहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक कि जय हिंद जय भारत।